जैसा कि आपको पता है, चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी एक दलित नेता है और गरीब परिवार से आते हैं। वो कर्मचारी हितैषी रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बनाई जा रही रेगुलराइजेशन पॉलिसी कमेटी के सदस्य भी थे। उनका मानना था कि वो कर्मचारी हितैषी है तथा छोटे व कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों का समर्थन करते हैं तथा उनके अधिकारों के लिए सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे। 2 महीने पहले 6 जून को कच्चे कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन में वो कर्मचारियों का समर्थन करते नजर आए थे। उस समय तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता बरकरार रखना चाहती है तो उसे संविदा कर्मचारियों को नियमित करना होगा। अधूरे चुनावी वादों पर आवाज उठा रहे चन्नी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों को खत्म करने की राह पर है, जिससे गरीबों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि मैं कर्मचारियों के लिए लड़ूंगा, चाहे किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हूं। चतुर्थ श्रेणी के सभी पद समाप्त होने वाले हैं और मैं इसका विरोध करता हूं। चन्नी उस वक्त आंदोलन कर रहे पंजाब रोडवेज, पनवेस और पीआरटीसी के संविदा कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे, जिन्होंने नियमित नौकरी की मांग को लेकर उनके घर का घेराव किया था। चन्नी अनुबंध के आधार पर काम करने वाले लगभग 66,000 कर्मचारियों को नियमित करने की नीति पर गौर करने के लिए सरकार द्वारा गठित उप समिति के सदस्य भी थे। सुबह करीब 10:30 बजे सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मचारी चन्नी के आवास के सामने पहुंचे और धरना दिया था। चन्नी ने उनके साथ अपनी एकजुटता को व्यक्त किया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कैबिनेट की बैठक में यहां तक जोर दिया था कि उनकी भर्ती नियमित आधार पर होनी चाहिए, यह दावा करते हुए कि वह केवल गरीब और मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका अभिजात वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। चन्नी ने कहा कि उन्होंने अमीरों से अपने पक्ष में वोट नहीं डालने के लिए कहा, क्योंकि उनकी सेवा करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुए क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति हूँ। मुझ पर पहला अधिकार गरीबों का है।